देखिए जहां पर वाम मोर्चा की सरकार ने 35 साल तक राज किया, वहां पर देखिए कि गरीबों की क्या स्थिति आज। आपको गरीबी, सामंतवाद और ये सारे शब्द अब याद आ रहे हैं कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है, क्योंकि आपको आज 2G, 3G, जीजाजी, कोलगेट जैसे घोटाले नहीं मिल रहे हैं। आज आपको विरोध करने के लिए और बातें नहीं मिल रही हैं, तो आप शब्दावली खोज के लाइए, इंटॉलरेंट। अरे ये देश तो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश तो एक्सेप्टेंस के सिद्धांत पर बना है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर की उस भाषण में शिकागो में कहा था, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। यानी कि ये तो भारत की संस्कृति है कि हम मानते हैं कि अलग अलग मार्गों से होते हुए भी एक ही भगवान तक, यानी कि एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि भारत में तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आप जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा ने USSR में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी थी, उस विचारधारा ने चाइना में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है। देखिए तिब्बत के लिए किस तरह से मॉन्क्स मर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि नक्सलवादी हमारे देश में बंदूक के दम पर लिबरेटेड जोन बना रहे हैं, नक्सलवादी हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं, और माइंड कीजिए वो बीजेपी या एबीपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के साथ लड़ रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा चलने वाले इस देश के साथ वो लड़ रहे हैं। और जब आप नारा लगा रहे थे, और जब ये लोग वहां पर बाकी जो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जेएनयू में, जब वो नारा लगा रहे थे बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, आप कहते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदारी आपने उस समय खूब निभाई कि वहां पर आप बाद में खड़े होकर आपने भाषण दिया तो एक शब्द में कंडेम भी नहीं किया कि इस प्रकार की नारेबाजी वहां पर हुई थी, वो नारेबाजी गलत है।